हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में, जहां पे आपको नॉलेज मिलती है बिल्कुल आईएएस कोर्स से टेक्निकल नॉलेज, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग से लेके। इस तरीके का आप जो फुटिंग है वो साइड पे आप जरूर देखते होंगे और आपके मन में एक जरूर जवाब आती होगी कि इसका जो कॉन्क्रीट वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये एकदम सिंपल तरीके से नहीं निकलेगा। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको मैं आज आपको पूरा तोड़ के बताने वाला हूं। और सबसे मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब इसका बीबीएस करना होता है, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल करना होता है इस फुटिंग का। इसको लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो एक आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी बीबीएस की जिसमें इसका मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैंने सिंपल बताया था। लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि इस वाले सेक्शन में मान लीजिए आपका जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है ये इस टाइप के शेप में है, तो इसमें जो स्टील डाला जाता है बॉटम वाला तो ऐसे डाल देंगे, लेकिन जो टॉप वाला स्टील होता है ना वो इस तरीके से जाके ऐसे कनेक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप का अगर बीबीएस आपको सीखना है डिटेल में कि कैसे इन सब बार का कटिंग लेंथ हम लोग निकालते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छा खासा रिस्पांस रहेगा तो मैं इस पे वीडियो आप लोग को बना के दिखा दूंगा पूरा कटिंग लेंथ का, ठीक है। जनरल अगर आप लोग वीडियो देखोगे जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा या आप साइड भी फॉलो करते हो, उसमें क्या होता है कि बॉटम बार का स्टील ऐसे जाता है और टॉप बार का स्टील ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, ये एंगल में ये कटिंग नहीं मिलता आपको। तो ये कैसे करना होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग की रहती है। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पे वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, ठीक है। इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, साइड पे अगर आपकी कास्टिंग हो रही है, आपका जो सर है वो आपको बोल दिए कि इसका जो कॉन्क्रीट वॉल्यूम है वो जल्दी से निकाल के बताओ, मुझे ऑर्डर करना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे साइड पे, वो भी चुटकी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर बेस करके पूरा है, मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपके पास एक नोट्स हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी अदर बीबीएस है, बार बेंडिंग शेड्यूल वाले जो टॉपिक्स है, उसका जो वीडियो है मेरा जो बना हुआ है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाके उन सबको भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एरिया कवर्ड बाय वन जिप्सम बोर्ड जिसका साइज है 6 फीट बाय 4 फीट क्या होगा, मतलब कि एक बोर्ड अगर 6 फीट बाय 4 फीट का है जिप्सम बोर्ड, तो उसका एक बोर्ड का एरिया कवरेज कितना होगा। और यहाँ मैंने फीट में दे दिया था आपको ये साइज, लेकिन ऑप्शन जो दिया था वो सब स्क्वायर मीटर में दे दिया था। तो बहुत कोई इसका जो गलत आंसर दिए हो वो 6 × 4 = 24 जो आंसर दे रहे हो, 24 स्क्वायर मीटर, 24 स्क्वायर मीटर नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है स्क्वायर फीट, तब 6×4 = 24 हो जाता आपका, 24 स्क्वायर फीट आपका आंसर हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्रिक खेला और इसका जो ऑप्शन है वो स्क्वायर मीटर में सब डाल दिया, तो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आ रहा है स्क्वायर फीट में, लेकिन हमको चाहिए आंसर स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में जाने के लिए हमें वो करना पड़ता है 10.764 से डिवाइड, यानी कि 6×4 = 24 आएगा, उसको आप 10.764 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो ऑप्शन है वो 2.23 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। एक्चुअल में देखोगे तो 2.229 आ रहा होगा, मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिया है, 2.23 ले लिया है, 2.23 स्क्वायर मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन डी। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए। इस वीडियो को भी पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच से ही कहीं से भी उठा के एक सवाल आप लोग से इस वीडियो के लास्ट में पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो बिना पलक झपकाए वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं, वो भी रेगुलर और वो भी बिल्कुल फ्री में, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, इस फुटिंग का जो नाम होता है वो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होता है, जो अभी आपने यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, ठीक है। इस फुटिंग का नाम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होता है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, इंटरव्यू में जाना है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बोलना है और कुछ नहीं। अब देखिए ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होता कैसे है, फोटो में तो आप यह देख पा रहे हो, फोटो में क्या देख रहे हो, नीचे में एक पार्ट है रेक्टेंगुलर टाइप का और उसके ऊपर में एक ट्रायंगुलर टाइप का आपको दिख रहा है, लेकिन उसको ट्रायंगुलर नहीं बोलना है, हर एक चीज का अलग अलग नाम है।
अगर मैं आपको उसका एलिवेशन दिखाऊं तो ये आपको दिखता है, आपको नीचे में ये रेक्टेंगुलर टाइप का बेस दिखता है और ऊपर में एक ये पिरामिड टाइप का आपको दिखता है, ठीक है। तो इसका अलग अलग नाम है। हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम दो पार्ट में निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे उसके बाद इसका निकालेंगे ताकि वो आसान हो जाए आपके लिए। तो ये हमारा पार्ट वन है और ये हमारा पार्ट टू है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज को समझिए, मैं इस चीज को जब ऊपर से देखूंगा, जब मैं इस एलिवेशन को ऊपर से देखूंगा तो ये देखने में इस तरीके से दिखेगा। ये एलिवेशन है, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू से जब आप देखोगे ना तो ये छोटा सा पार्ट आपको दिखता है इस तरीके से, और ये जो स्लोप है ये स्लोप आपको चारों कॉर्नर पे ऐसे से दिखेगा। समझ में आ गया। अगर मैं इसका 3D व्यू बनाऊं, अगर इसको मैं 3D में तोड़ दूं तो ये जो नंबर वन देख रहे हो ये नंबर वन ये वाला है, समझ में आ गया। और ये जो नंबर टू आप देख रहे हो ये वाला है। तो अब देखिए इसको बोला क्या जाता है। सबसे पहले ये जो नाम है इसका नाम है आपका क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको क्यूबॉइड। और इस टाइप को क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो बैठा हुआ है इसका एक अलग से नाम है, इसका है ट्रंकेटेड पिरामिड। टेक्निकल नाम है ट्रंकेटेड पिरामिड, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा ही सकता है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ट्रंकेटेड पिरामिड। तो क्यूबॉइड और प्लस ट्रंकेटेड पिरामिड को जब आप जोड़ दोगे तो वो क्या बनाता है आपका, तो वो बनाता है आपका यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, ठीक है। तो इसको जब आप बना दोगे तब आपका बनेगा यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। तो यहाँ तक आपका पूरा पार्ट क्लियर है। दो पार्ट को डिवाइड करके ये बनता है, अलग अलग जो यहाँ पे है नॉमेनक्लेचर उसका नाम क्या है वो भी आपको समझ में आ गया है। ये नंबर टू, ये नंबर वन। अब हम लोग एक इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो 14 का वॉल्यूम है वो निकल जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायमेंशन कुछ ले लेते हैं, मतलब ये फुटिंग लंबा कितना है मेरा। मान लीजिए ये फुटिंग लंबा है मेरा 2 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है ये 2 मीटर का है। और ये वाला मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे से कुछ भी मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर लंबा, ये 1 मीटर लंबा, ठीक है। अब हम लोग को और कुछ कुछ चाहिए, जैसे ये फुटिंग का हाइट कितना है, तो ये वाला हाइट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 0.3 मीटर, या आप इसको बोल सकते हो 300 मिलीमीटर, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हाइट है, मतलब ये ट्रंकेटेड पिरामिड जो है इसका हाइट कितना है, इसका भी हम लोग हाइट सेम रख लेते हैं, ठीक है। ये भी है मेरा 0.3 मीटर, या 300 मिलीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही यूनिट सेम है, 0.3 मीटर बोलो या 300 मिलीमीटर बोलो, यूनिट अलग अलग है लेकिन मेजरमेंट जो आएगा वो सेम आएगा। तो ये हाइट आपका हो गया 0.3 मीटर और ये हाइट भी हो गया आपका 0.3 मीटर। हाइट हम लोग को मिल चुका है, बेस वाला का जो हम लोग लेंथ चाहिए वो मिल चुका है 2 मीटर बाई 1 मीटर। एक और चीज चाहिए हम लोग को, वो क्या है, टॉप का ये वाला कितना है और ये लेंथ कितना है। तो मान लेते हैं हम लोग ये वाला मेरा है 0.5 मीटर का, यानी कि 500 मिलीमीटर, और ये वाला जो है ये हम लोग मान लेते हैं 0.4 मीटर, ठीक है। सब चीज हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ले लिया, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पूरा वॉल्यूम निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग एक नंबर वाला निकालते हैं, एक नंबर क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो पहले क्यूबॉइड का निकालते हैं, फिर ट्रंकेटेड पिरामिड दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यूबॉइड का कैसे निकलेगा, क्यूबॉइड बोलने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ये याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। चलिए एक एक करके फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। लेंथ क्या है मेरा, देखिए लेंथ कितना है 2 मीटर, हम लोग यही चीज ना यहाँ पुट करेंगे, ये नीचे वाला का, ये मेरा कितना है 2 मीटर, और ये चीज उधर कितना गया हुआ है 1 मीटर, तो वो मेरा ब्रेथ हो गया। और हाइट मेरा कितना है इस वन वाले पार्ट का, 0.3 मीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ से मिल जा रहा है, वही पुट करेंगे। लेंथ की जगह आएगा मेरा 2, ब्रेथ की जगह आएगा 1 और हाइट की जगह आएगा मेरा 0.3, ये वन नंबर का, ठीक है। तो 0.3, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा, 2 1 2 और 3 से इंटू कर दो 6, मतलब एक उधर कर दो 0.6, 0.6 यूनिट क्या आएगा, 2 जो था ये मीटर में है, ये 1 भी मीटर में है, और 0.3 भी हम लोग जो लिया वो मीटर में लिया था, तो ये 0.6 क्यूबिक मीटर, ठीक है। एक चीज तुम्हारा निकल गया, ये निकल गया किसका वॉल्यूम, 1 वाले पार्ट का, मतलब इस पार्ट का, ये पार्ट क्लियर। इसको निकाल देंगे तो हमारा सब गेम ही खत्म, सबको ये निकाल देते हैं, लेकिन यही वाले पार्ट में ही दिक्कत होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा पेचीदा है। तो चलिए सबसे पहले लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ट्रंकेटेड पिरामिड की, तो इस ट्रंकेटेड पिरामिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/3, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, a1 प्लस a2 प्लस रूट खोलिएगा a1 इंटू a2
ब्रैकेट को बंद कीजिए और इनटू एच, ठीक है। अब एक एक करके जान लेते हैं, हम लोग को 1/3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रंकेटेड पिरामिड का हाइट बोला जा रहा है। हाइट कौन सा है? ट्रंकेटेड पिरामिड ये पार्ट है, ये हाइट है मेरा, मतलब 0.3 मीटर। तो एच से भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच का मतलब आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एच इज इक्वल टू हाइट, हाइट ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है A1 और A2 क्या है, ठीक है। तो A1 और A2 देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A1 और A2 मेरा एरिया है, कौन सा एरिया? देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसका जो सरफेस एरिया होगा ऊपर से, मतलब जब ऊपर से इसको आप देखोगे तो कौन सा पार्ट दिखेगा? ये वाला पार्ट दिखेगा, 0.5/0.4। यानी कि अगर हम लोग 3D में देखें तो ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला, इसका एरिया आपको निकालना है। ये हो गया आपका A1, क्लियर हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया मेरा A1, और A2 कौन सा है? बॉटम का सरफेस एरिया, मतलब इस लेवल पे, इस लेवल का जो सरफेस एरिया होगा, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट बोल रहा है, समझ में आ गया। ये है आपका A2, तो इसका सरफेस एरिया, ये दोनों सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसमें फुट कर देंगे तो निकल जाएगा वैल्यू। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं। A1 क्या है मेरा? सरफेस एरिया ऑफ टॉप बेस, ये टॉप बेस है। टॉप बेस का एरिया कैसे निकलेगा? ये देखिए क्या है मेरा, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो A1 कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करके। लेंथ मेरा कितना है टॉप बेस का? ना टॉप बेस मेरा ये छोटा वाला, मतलब ये छोटा वाला ऊपर जो देख रहे हैं, ये छोटा वाला, तो इसका क्या है 0.5 × 0.4 कर देंगे, हो जाएगा। तो 0.5 × 0.4 आ गया आपका 0.20, इतना मीटर स्क्वायर। दोनों देखो मीटर मीटर में है, मीटर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका A2। A2 क्या है मेरा? एरिया ऑफ बेस का, देख लो A2 बेस का। ये बेस कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन, समझ में आ रहा है ना, ये वाला लाइन। अब ये लाइन हो या ये लाइन, दोनों तो बराबर ही है। तो हम लोग को ये पता है टोटल कितना है, ये लेंथ कितना है मेरा 2 मीटर। ऊपर से अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में क्या मांग रहा है, ये लेंथ मतलब मेरा ये लेंथ हो गया, और ये चीज मेरा उधर कितना जा रहा है 1 मीटर, यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, कि ये 1 मीटर उधर जा रहा है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया इसका सरफेस एरिया निकालने का। तो चलिए वही करते हैं यहाँ पर भी, एल इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 2 × 1, इसका मतलब 2 मीटर स्क्वायर। A1, A2, H सब निकल गया मेरा, ये भी आ गया मेरा 0.3 मीटर। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, देखिए कितना आता है 1.3। A1 की जगह कितना आएगा मेरा 0.2, प्लस A2 की जगह कितना आएगा मेरा 2, प्लस रूट डाल दीजिए यहाँ पे, A1 और A2 का रूट कीजिए, मतलब 0.2 × 2, ब्रैकेट बंद, और मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, हाइट मेरा कितना है 0.3, ठीक है। इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, पहले आप 0.2 × 2 का रूट निकाल लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उसमें 2 को और 0.20 को ऐड कर दीजिएगा। जब ये टोटल ऐड हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.3 से, और जब टोटल आंसर आएगा टोटल को डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 0.283 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हमारा 1 नंबर भी निकल गया, 2 नंबर का जो वॉल्यूम था वो भी निकल गया 0.283 क्यूबिक मीटर। अब क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को निकाला गया, क्यूबॉइड प्लस ट्रंकेटेड पिरामिड। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू यहीं पे डाल देते हैं, क्यूबॉइड का कितना निकला मेरा, हम लोग का यहाँ पे क्यूबॉइड का हम लोग निकाले थे 0.6, तो 0.6 प्लस ट्रंकेटेड पिरामिड का हम लोग का कितना निकला 0.283, ये 2 नंबर, तो 0.283, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए सिंपल सा, वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.883 क्यूबिक मीटर, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम है। तो हम लोग को इस ट्रंकेटेड पिरामिड को अगर कास्टिंग करेंगे तो कॉन्क्रीट हम लोग को कितना मंगाना पड़ेगा 0.883 क्यूबिक मीटर, या आप बोल सकते हो 0.9 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ तक आपको सारा चीज क्लियर हो गया है, आई होप आप लोगों को मन में कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आपको BBS चाहिए इस ट्रंकेटेड पिरामिड शेप के फुटिंग का, तो वो भी बताइए, मैं आप लोग को जरूर बना के उसका दिखा दूंगा कि कैसे होता है, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा।
ठीक है, वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोग सीख जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है वो देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए, यहाँ पर आप ये फिगर देख पा रहे हो जिसमें मैंने एलिवेशन और टॉप व्यू दोनों बना के आप लोग को दे दिया है, कुछ डायमेंशंस इसमें चेंज है। आपको क्या करना है, इस ट्रेपेजॉइडल शेप के फुटिंग का आपको कॉन्केव वॉल्यूम निकालना है। तो जो मैंने अभी फार्मूला बताया था उस फार्मूला को यूज करके जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके आप मुझे इसका आंसर बताइए। जिन्हें भी इसका जवाब पता है जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में जाइए और इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोज होती है, जो आपके इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बीपीएस का प्लेलिस्ट हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, रेट एनालिसिस और उसी तरीके का और भी बहुत कुछ, वो सब आपको फ्री में मिलता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि पेड सर्विसेज में आपको मिलती है वो सब वीडियो, लेकिन मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है वो सब वीडियो, ठीक है। तो जाके उन सबको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, और जब मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियोस लाता हूँ उससे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं चाहता हूँ कि जब मेहनत लगती है तो वो सब चीज आप लोग सीखो। तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।